नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज परीक्षा परिणाम वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती जी के प्रमुख सम्मुख विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा दीप प्रज्वलन से प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में मां सरस्वती की प्रतिमा पर विद्यालय की निदेशिका द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। विद्यालय की कई छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इसके बाद विद्यालय की प्रबंध निदेशिका श्रीमती कंचन यादव ने छात्र छात्राओं को, जिन्होंने अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किए, उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। पुरस्कृत किए गए छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। कक्षा वर्गवार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों में नर्सरी कनिष्ठा यादव, त्रिजल यादव, आदित्य मौर्य, आराध्या सिंह, नमन यादव, अंकिता राय, मिष्टी गौड़, प्राची यादव, जागृति त्रिपाठी, नैतिक स्थाना, पीयूष कुमार पाठे, नवदीप व्यांश तिवारी, अश यादव, अमन यादव, सार्थक निषाद, अमन यादव, वैभव यादव, निलय सिंह, अनुराग, अविरल सिंह सहित तमाम लोग थे। परीक्षा फल का वितरण किया गया। जैसा कि पहले से ही यह कार्यक्रम सुनिश्चित था, हम लोगों ने आज, क्योंकि संडे है, अभिभावकों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, इस वजह से आज के दिन 2 अप्रैल 2023 को वार्षिक परीक्षा का वितरण किए, जिसमें 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जैसा कि भारत सरकार की गाइडलाइंस है, इसमें 100% हमने रिजल्ट दिया। 9th और 11th के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया, और इनका इतना शानदार प्रदर्शन रहा कि हमारे 9th में हम लोगों को यह एक बार सोचने को विवश कर दिया कि किन बच्चों को प्रथम पोजीशन दिया जाए, क्योंकि 3 बच्चे एकदम एग्जैक्ट 99.22% पर अपने मार्क्स को समेटे हुए थे, लेकिन संयुक्त रूप से तीनों बच्चों को हमने प्रथम स्थान दिया। इस तरीके से 9th में 100% रिजल्ट रहा। 11वीं की जो परीक्षा थी, विगत वर्ष कोरोना की वजह से थोड़ा सा बच्चे भटक गए थे, और आफ्टर कोरोना बच्चे पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं कर पाए। फिर भी हमारे टीचर्स के अथक प्रयत्न तथा उनके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा यह संभव हो सका कि अभी हमारे विद्यालय में 11वीं की परीक्षा जो थी वह लगभग 90% से ऊपर रहा, और बाकी जो बच्चे 10% में बचे हुए हैं वो एक विषय या दो विषय में हैं, लेकिन जब इनको दूसरा मौका दिया जाएगा तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि वे पूरी की पूरी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसमें मैं अपने विद्यालय के जो मैनेजमेंट है, हमारे चेयरमैन सर, हमारी प्रबंधिका महोदय, हमारे लर्नेट कलीग्स और वे समस्त विद्यार्थी जो कि इस विद्यालय को वास्तव में अपने एक सुसंगठित तरीके से तथा कर्तव्य हो करके अपनी राह पर आगे चलते हैं, उन्हीं का परिणाम रहा कि आज हम 100% रिजल्ट देने में कामयाब रहे।